उसके बाद देन डिफरेंस बिटवीन ये वाले डिफरेंस क्या होता है इसमें स्ट्रिंग और एरे में, ठीक है, दो करेक्टर दे दिए आपको, ठीक है। उसके बाद बात करता है ये स्ट्रक्ट डेट के बारे में बात करता है ये, ठीक है, ये भी सी का क्वेश्चन है बेसिकली जो हम इसमें यूज़ करते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन हम इसके लिए स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं, और ये हमारे पास डेट वन ईयर बी ए भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी, तो ये चीज़ें बारे में बात करता है। व्हाट हैपेंड व्हेन यू रन ए प्रोग्राम ही मेंट दैट ऑल बेसिक जो स्टेप्स है ऑफ द आउटपुट वुड बी, ठीक है, एक प्रोग्राम रन करने के लिए दे दिया, उसकी आउटपुट देखी उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद ये बात किया बोलता वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, उसके बाद पॉइंटर फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद बात करता है रिकर्सिव फैक्टोरियल प्रोग्राम्स, ठीक है, देन मी प्रोग्राम ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिट कैसे कर सकते हैं क्लास को, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो असेंचर का टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो ये बेसिकली असेंचर का जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो है बोलता पॉइंटर टू स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स एंड डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, कॉन्स्ट करेक्टर पी, करेक्टर कॉन्स्ट पी, तो बेसिकली इसमें क्या है डिफरेंस, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से इसको पढ़ते हैं तो आगे कॉन्स्ट पहले लिया उन्होंने, उसके बाद करेक्टर लगाया हुआ है, तो ये अगर इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं उस क्या डिफरेंस आता है प्रोग्राम उसकी प्रोग्राम के आउटपुट में, ठीक है, पास बाई वैल्यू एंड रेफरेंस ये आपने पढ़ा है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है।